एक गुरु का सिख जिसे गुरु पर बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है, अपने काम से छूटकर जब काम से फ्री होता है गुरुद्वारे में पहुंच जाता है, दिन रात सेवा करता है, और सेवा भी ऐसी जितनी भी कमाई है धन इकट्ठा नहीं करता, घर में जितना खर्च है चलाकर सारा का सारा गुरुद्वारे में सेवा में लगा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये सच्ची घटना है। कई बार लोगों ने समझाया कुछ अपने लिए बचा ले, करने लगा क्यों बचाऊं, मेरा गुरु नानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे उस पर भरोसा है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो दे देगा। समय बीतता गया, 20 साल बीत गए, उसकी लड़की जवान हुई, बड़ी हुई, उसका रिश्ता तय किया, जहां पर रिश्ता हुआ उन्होंने 500 रुपए दहेज मांगे, इसने कहा दे दूंगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक। बारात आने का समय हो गया, ये गुरु नानक के चरणों में अरदास कर रहा है, पाछा मैं तेरा, मेरा सब कुछ भी तेरा, मेरी बेटी भी तेरी, तेरा काम है तूने करना है, कहीं से 500 रुपए भेज। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, पूरा भरोसा है इसे गुरु नानक पर। बारात आई 500 रुपए नहीं आए, घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बारात वापिस चली गई, ये रोकता रहा, मिन्नते करता रहा, बारात वापिस चली गई। अब ये पहुंच गया गुरुद्वारे में, घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लगा गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने खड़े होकर ताने मारने कि मैंने आप पर विश्वास किया, सारी जिंदगी अपने लिए कोई माया धन जमा नहीं किया कि आप हो मेरे, पर मुझे लगता है भगवान है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु ना, शुक्रा हो गया। उसके मित्र को पता चला, दौड़ा चलाया, कहने लगा 500 रुपया मैं देता हूँ, बारात अभी वापस नहीं पहुंचोगी, जा बुला कर ला। ये दौड़ा, पर बारात वापस जा चुकी थी गांव में, गांव में गया जब तो वहां हैरान हो गया, सब मातम मना रहे। जिस लड़के से इसकी लड़की की शादी होनी थी, घर पहुंचते ही वो छत से गिरकर मर गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये धरती पर गिर पड़ा, रोने लगा कि हे गुरु नानक, तू जानता था कि आज अगर मेरी बेटी की शादी इससे हो जाती तो मेरी बेटी आज ही विधवा हो जाती। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं ना शुक्रा हो गया, जो 500 रुपए तूने 2 घंटे बाद भेजे, 2 घंटे पहले भी भेज सकता था। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा कोई काम ना हो इसका मतलब सिर्फ एक है कि वो चीज हमारे लिए आग है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज सुमत बख्शा करते थे, अरदास में ये लफ्ज शामिल कर लो, जो भावे सो कम कराई, जो ना भावे सो ना कराई, जिथे भावे तिथे रख ले, जिथे ना भावे तिथे ना रखी। बाबा आनंद सिंह जी तो ये अरदास किया करते थे, पाछा मैं अपनी मर्जी से कोई काम करने जा रहा हूँ, तुझे अच्छा ना लगे तो मत होने देना। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें नहीं पता किसमें क्या छुपा है राज। महापुरुष समझाया करते थे, अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रहे हो, बेटे का रिश्ता करने जा रहे हो, ये मत अरदास करना कि हो जाए। अरदास करना, अगर तुझे अच्छा लगे तो करा देना, अगर तुझे अच्छा ना लगे तो नहीं होने देना रिश्ता। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरु नानक को पता है हमें नहीं पता। एक बार डोरी फेंक कर देखो, अपनी मत चलाएंगे पछताएंगे, गुरु नानक पर भरोसा करके देखो, पछताना नहीं पड़ेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, फ्लाइट छूट जाए दुख नहीं होना चाहिए, अगर घर से अरदास करके चले हैं, पाछा कृपा कर जा रहे हैं सफर में, अंग संग होकर सहायता करना। महापुरुष सुमत बख्शा करते थे, अरदास करके घर से निकला करो, कहते थे कोई भी काम हो गुरु से पूछ कर जाया करो। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर अगर वो काम ना हो तो खुश हुआ करो कि गुरु नानक ने नहीं होने दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हम में ये भरोसा आए, क्योंकि हमारे अंदर इस भरोसे की बहुत कमी, बहुत कमी। गुरु मेहर करे हम सबको, मुझे भी भरोसे की दात दे कि गुरु नानक जो करेगा उसमें भला है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, और उसके दिए हुए एक एक चीज को याद करके शुक्राना करना चाहिए। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, एक पड़ोसी अच्छा ना हो ना पड़ोसी।